आप अगर अमेज़न से कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो, अगर बॉक्स में कोई डिफरेंट प्रोडक्ट आता है, यानी लाइक आप जो प्रोडक्ट देखे हो अमेज़न के वेबसाइट में और उस प्रोडक्ट को आप बाय किए और आपको मिला दूसरा प्रोडक्ट या डिफरेंट प्रोडक्ट या ओल्ड प्रोडक्ट, कुछ भी प्रोडक्ट हो या ओपन बॉक्स हो या मिसिंग हो, कोई भी हो, आपको डिफरेंट प्रोडक्ट एक्चुअली मिला है, तो उस वक्त आप क्या करोगे? आपका प्रोडक्ट का रिटर्न होगा? रिटर्न करके आप क्या आपका पैसा वापस कर सकते हो, या आप जो प्रोडक्ट ऑर्डर किए डिफरेंट प्रोडक्ट आने पर उसको रिटर्न करके क्या आप जो सामान को पसंद किए उसको ही रिप्लेसमेंट कर सकते हो? तो सारा कुछ आज के इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं और ऑथेंटिक जानकारी देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत, आप सभी का दोस्त, और आपसे फिर से और बहुत तरह से स्वागत करता हूं आपका हमारा अपना चैनल जीत भाई ऑफिशियल पर। सो भाई लोग, कुछ दिन पहले मैंने इस वाले ट्यूटोरियल को लाया था जो कि फ्लिपकार्ट के ओबीडी यानी फ्लिपकार्ट के ओपन बॉक्स डिलीवरी के ऊपर था। मैं उसके बारे में एकदम डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया। सबसे पहले तो आप लोगों को हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों के प्यार के बदौलत आज मैं इस जगह पर हूं और आप लोगों ने इस ट्यूटोरियल को इस छोटे से चैनल में बहुत ज्यादा प्यार दी, इसलिए बहुत 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 दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरे भाई लोग। और इस ट्यूटोरियल में आप लोगों ने काफी सारा ऐसे कमेंट्स की जो आगे जाके मैं सारे कमेंट्स के ऊपर ट्यूटोरियल आहिस्ता आहिस्ता लाने वाला हूँ। और बहुत सारे कमेंट्स आज के इस ट्यूटोरियल के टॉपिक के ऊपर है कि भाई लोग अमेज़न के ऊपर एक ट्यूटोरियल बनाओ कि अमेज़न से हम लोग प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, ऑफर में ले रहे हैं या रेगुलरली ले रहे हैं, तो हम लोगों को कोई कोई प्रोडक्ट डिफरेंट मिल जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग रिफंड नहीं कर पा रहे हैं, रिप्लेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं, रिटर्न नहीं कर पा रहे, हम लोगों का रिजेक्ट हो जा रहा है, तो उसके ऊपर एक ट्यूटोरियल बनाओ। तो भाई लोग देखो, सबसे पहले गाइस, आप लोग जब अमेज़न से प्रोडक्ट परचेस करते हो तो सबसे पहले जब आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट अगर आ जाता है तो मेरे भाई घबराना मत। कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस की हो अमेज़न से तो भाई उसका अनबॉक्सिंग एक वीडियो कैमरा के तौर पर कीजिए। आपके पास तो मोबाइल होगा, या वीडियो कैमरा रखिए, प्रूफ रखिए या फोटो रखिए, ये इंटरनली एविडेंस के तौर पर आपके पास रहेगा। ये नहीं होगा फिर भी चलेगा, लेकिन भाई होगा तो 100% गाइस आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद गाइस, अगर डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है तो आप लगा दो अमेज़न के कस्टमर केयर पे कॉल। और गाइस सबसे पहले गाइस आप लोग को एक बात क्लियर कर देता हूँ, पहले जैसा अमेज़न में रूल्स रेगुलेशन नहीं है, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। सबसे पहले 3.5 वर्किंग डेज इन लोगों का लगता था रिटर्न करके रिफंड आने में, अब जो है 12 से 13 दिन तक लग गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अमेज़न सारे कस्टमर को जो है बहुत ही ज्यादा भरोसा करते हैं, उनकी तरफ से गाइस आपके बात सुनेगा। आप जब बोलोगे मेरा बॉक्स जो है, मेरा बॉक्स में ये डिफरेंट प्रोडक्ट है, या प्रोडक्ट सेम है लेकिन लाइक ओल्ड है, या प्रोडक्ट डैमेज हो गया है, या प्रोडक्ट खराब गया है, प्रोडक्ट ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि अमेज़न का ओवीडी अभी तक चालू नहीं हुआ है, ठीक है, या प्रोडक्ट मिसिंग है, या डब्बा ही खाली है, ऐसा कुछ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रॉब्लम को बोल दीजिएगा। और हाँ, सारे के सारे प्रॉब्लम जो क्रिएट होगा प्रोडक्ट से रिलेटेड अमेज़न से जो कुछ भी आप बाय करते हो, सारे के सारे ऑथेंटिक होना चाहिए। तो भाई ऑथेंटिक नहीं होगा तो आपका केस जो है रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा है आगे जाके वीडियो में बता रहा हूं। तो सबसे पहले गाइस आप कस्टमर केयर को फोन लगाएगा और अपने अकॉर्डिंग अपने प्रॉब्लम को बोलेगा, वो लोग आपके ऑर्डर को डिटेल्स को चेक करेंगे, उसके बाद आपके वार्तालाप करेंगे, थोड़ा सा होल्ड भी रख सकता है उन लोगों के हायर टीम से बात करने के लिए, या वो लोग अपने हायर टीम से बात भी करवा सकता है आपको, आपका क्या क्या इश्यू है सारा कुछ बोलेगा। उसके बाद वो लोग तुरंत से गाइस आप लोगों का जो है रिटर्न कर देता है, चाहे मिसिंग प्रोडक्ट हो डिफरेंट प्रोडक्ट हो, ठीक है, तुरंत से। छोटा मोटा अगर प्राइस मान के चलो, छोटा मोटा अगर प्रोडक्ट का प्राइस है जैसे 50, 100, 150, 200, 250, तो एक दो बार ये रिफंड कर देता है, लेकिन भाई बार बार अगर होगा तो, बार बार तो ये किसी कस्टमर के साथ नहीं होता है, बार बार अगर होगा तो ये आपका फॉल्ट है, ठीक है, ये आप भी जानते हो। लेकिन ऑथेंटिक कोई कस्टमर अगर एक दो बार रिटर्न करे तो ठीक है, लेकिन हाई नंबर ऑफ रिटर्न होने पर तो आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है, आपका रिटर्न रिजेक्ट भी हो सकता है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग गाइस ओरिजिनली शॉपिंग करते हैं, जो लोग गाइस ऑथेंटिक कस्टमर है, अमेज़न का प्राइम कस्टमर है, उन लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो भाई आपका रिटर्न तो 100% पहले ले लेगा। लेकिन यहाँ पर यही है कि जब कुरियर वाला आपके पास आ जाता है तो ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि अमेज़न से रिटर्न कर दे रहा है, लेकिन कुरियर वाला जब आ रहा है क्या कुछ देख रहे पता नहीं वो लोग रिजेक्ट कर दे रहे हैं, तब आपको चुप नहीं बैठना है। उसके बाद आप फिर से कॉन्टेक्ट कर रहे हो, उसके बाद फिर से रिजेक्ट कर दे रहे, कुरियर नहीं रहे, तो आप छोड़ दे रहे हो, आशा छोड़ दे रहे हो। तो ऐसे तो डरना नहीं है और हाल नहीं छोड़ना है, आशा नहीं छोड़ना है, ठीक है। जब पहली बार आपका रिटर्न होगा, जब कस्टमर केयर से रिटर्न कर देता है, कुरियर बॉय आएगा, कुरियर बॉय आपको यही बोलेगा कि आप फिर से कॉल करके रिटर्न करवा लेना, ठीक है। तब आप उन लोगों को यही बोलेगा, आप थोड़ा सा पेशेंट रखे, ठहरिए, यहाँ पर मैं आपके सामने कॉल कर रहा हूँ, आपके सामने कॉल कीजिएगा, या आप जो बात की उसको पहले रिकॉर्ड कर लीजिएगा, रिकॉर्ड करके उन लोगों को सुना दीजिएगा, या आपके सामने ऑन कॉल अमेज़न के डिलीवरी बॉय के सामने ही अमेज़न कस्टमर केयर को रिप्रेजेंट टीम को कॉल कीजिएगा, उनके सामने उन लोगों को बातें करवा दीजिएगा, तो वो लोग जो है ऑटोमेटिकली जो है एक्सेप्ट कर लेगा रिटर्न, ठीक है। ये तो क्या दूसरा स्टेप, वन स्टेप कॉल करने का, दूसरा स्टेप कुरियर बॉय से सामान को भेजने का, तीसरा स्टेप गाइस
मैक्सिमम अप टू 12 टू 13 वर्किंग डेज लगता है, उसके पहले ही हो जाता है, लेकिन ये मैक्सिमम डेट है। आपके प्रोडक्ट जाएगा वायर हाउस में, जाएगा वायर हाउस में जाने के बाद आपका पूरा तरीके से इन्वेस्टिगेट होगा कि आपको पार्सल डिफरेंट क्यों मिला है। अगर सेलर की तरफ से गलती है तो आप वो बात अमेजोन के ऊपर छोड़ दो, लेकिन अगर सेलर की तरफ से सब कुछ सही है तो आपका प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट होगा कि रास्ते में कहां पर ये गलती हुआ है, कैसे हुआ है, ना हुआ है, कुछ भी हो, वायर हाउस में जाने के बाद इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है। अगर रास्ते में किसी भी जगह पर ये गलती हुआ है तो ये 12-13 दिन का जो टाइम लेता है ना, इसके लिए लेता है, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करेगा जहां से प्रोडक्ट शिफ्ट हुआ है वहां से आपके घर तक आने में कहां पर ये गलती हुआ है, क्योंकि सेलर तो ऑथेंटिक है तो सेलर ये इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर फॉल्ट पकड़ में आता है कि कस्टमर सही है, रास्ते में कुछ अनहोनी हो चुका है, ठीक है, हो भी सकता है, ठीक है, बहुत दूर से प्रोडक्ट आ रहा है, तो गाइस आपको 100% रिफंड मिल जाएगा। अगर ये पता लगता है कि रास्ते में आते वक्त कोई कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, कस्टमर तरीके से फॉल्ट हुआ है, तो भाई आपका रिफंड वायरस में जाने के बाद ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो भाई लोग, और जो जो लोग कॉमेंट्स कर रहे हो, मैं मानता हूँ आप ऑथेंटिक हो, तो भाई आप लोग क्या कर रहे हो, हाल छोड़ दे रहे हो। ज्यादातर केस में तो ऐसा हो रहा है, ऐसा कॉमेंट्स आ रहा है कि कुरियर बॉय ले नहीं रहा है, अमेजोन एक्सेप्ट करता है रिटर्न लेकिन कुरियर बॉय ले नहीं रहा है, वो आगे पहुंचने नहीं दे रहा है। तो भाई प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने बता दिया, आप लोग ऑन कॉल में रख के कुरियर बॉय को ठहरने के लिए बोलो और अमेजोन को कॉल करके आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर दो, ठीक है। बस वायर हाउस में जाएगा, सारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, ऑटोमेटिकली आपका रिफंड जो है प्रोसेस में चलाएगा, और उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को रिप्लेसमेंट करोगे, रिफंड करोगे, ये आपकी मर्जी अपने अकॉर्डिंग। मैंने ये 3-4 स्टेप्स गाइस आप लोगों को बता दिया। इसके बाद भी अगर आप सही हो, आप मानते हो कि सेलर गलत है या रास्ते में कुछ अनहोनी घटना घट चुकी है, मेरे सोल्यूशन से आपका प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व नहीं हुआ, तो आप कॉमेंट्स कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक का इंस्टाग्राम का लिंक है, आप लोग मुझको मैसेज कीजिएगा, मैं अमेजोन से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके वार्तालाप करूंगा फिर से और उन लोगों से पूछूंगा कि ये प्रॉब्लम कैसा सॉल्व होगा, डायरेक्ट लाइव प्रूफ के साथ आप लोगों के सामने ये भी रख दूंगा। और हाँ भाई, अमेजोन खराब नहीं है, कोई भी ई-कॉमर्स साइट खराब नहीं है। आप लोगों के मन में जो डर पैदा हो गया ना ऑनलाइन से प्रोडक्ट ये हो जा रहा है वो जो है, मैं ऑनलाइन से प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा, तो इस डर को निकाल के बाहर फेंक। हो भी सकता है कोई डिफरेंट प्रोडक्ट आ भी सकता है, प्रोडक्ट मिसिंग भी हो सकते हैं, तो इसके लिए समाधान है, तो ऐसे मत टूटो, ऐसे ऑनलाइन से विश्वास मत हटाओ, ठीक है। इसी जानकारी तौर पर आज की ट्यूटोरियल जो है समाप्त करता हूँ। तो आज के ट्यूटोरियल से आप लोगों को काफी ज्यादा नॉलेज मिला, आप लोगों को इस ट्यूटोरियल को बहुत ज्यादा पसंद है, वीडियो को पसंद आने पर एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को चार के शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त का इशू भी सॉल्व हो सके और अपने भाई को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि इस तरह से जुड़ी हर वीडियो नोटिफिकेशन आप सबको एडवांस मिलते रहे। तो फिर मिलते कल और एक दो बार कॉल लेकर, तब तक अच्छे से रहेगा। जय हिंद, जय भारत, बंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।